15 मार्च से वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 12 दिनों तक विभिन्न देशों के बॉक्सर अपने पंच का दम दिखाएंगे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने शुक्रवार को आगामी आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के मैस्कट वीरा का अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ इस इवेंट में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की मौजूदगी में मैस्कट का अनावरण किया गया। यहां सभी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अपनी इच्छाओं पर बात की। दिल्ली में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है 15 मार्च से, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह से 2022 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, वैसे ही ये साल की भी शुरुआत मैं गोल्ड मेडल से करूँ, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर। और बाकी तैयारी बहुत अच्छी रही है मेरी, और सभी का सपोर्ट अच्छे से रहा है। कोचेस लोग ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, सारे बॉक्सर्स ने मेहनत की है, सपोर्टिंग स्टाफ सब ने, बीएफआई का, साई का, सबका सपोर्ट रहा है। तो उन सबका साथ है तो डेफिनेटली हम सब मिलकर एक ही गोल पर चल रहा है कि इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है। तो उस उम्मीद में मैं यही कोशिश करूंगी कि इस बार भी मैं अपना टाइटल डिफेंड करूं। 5 दिन रह गए हैं, तो कुछ ज्यादा टेंशन हो रही है या क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? टेंशन तो हर किसी को होती है, बट मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में लूंगी। हमारा जो टारगेट होता है वो गोल्ड मेडल के लिए ही होता है, और जैसे कि मेरा लास्ट 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, इस बार जरूर कोशिश करूंगी कि मैं अपने मेडल का कलर चेंज करूं। और तैयारी भी अच्छा चल रहा है, और पूरी कोशिश रहेगा कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर पाऊं। कई देशों में पार्ट नहीं लेने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कॉम्पिटिशन टफ होगा या इजी होगा उनके लिए? हर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहता है, कोई भी कंपटीशन इजी नहीं रहता है। और हाँ, कुछ कंट्री नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारा कंट्री आ भी रहा है। लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप से ज़्यादा कंट्री आ रहा है। डिफिकल्ट तो रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। वेट कैटेगरी चेंज हुई, तो क्या कुछ आपको लगता है मुश्किल हो गया है, आसान हो गया, कुछ बदलाव है? मैं इस वेट कैटेगरी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि पहले मैं 69 में खेलती थी, तो मुझे वेट कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती थी, और जब से मैंने ये वेट कैटेगरी में आया है, मैंने हर कंपटीशन मेरा अच्छा ही गया है, तो मैं इस वेट कैटेगरी में ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ। जो कॉन्टिनेंट इसका उसकी लीडर ओलंपिक मेडल आपके पास है, तो एक दबाव है कि आप भी जो है इनको गाइड करेंगे, और आप इस तरह से इनको किस तरह गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे? इनकी लीडर आप ही हैं क्योंकि एक तरह से लीडर नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है। जब तक मुझे गोल नहीं मिलता, तब तक मैं नहीं मानती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, और मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मैं अच्छा करूँ। और सभी लोग अच्छा कर रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छा, सबका मेडल आए जी।